और मानसून सत्र में मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध के बीच विपक्षी गठबंधन के नेता आज मणिपुर दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो घाटी और पहाड़ी इलाकों का दौरा करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, राहत कैंपों पर जाएंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इंडिया गठबंधन के 16 दलों के 20 नेता राज्य में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फ्लाइट में सवार होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं तमाम विपक्षी सांसद। यहाँ पर आपको जेडीयू के नेता, इसके अलावा आपको यहाँ पर आरजेडी के नेता, साथ ही आपको यहाँ पर कांग्रेस, टीएमसी और तमाम जो विपक्षी दल हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, वो तमाम लोग इसी प्लेन के जरिए मणिपुर पहुंच रहे हैं। कुछ और काम आगे बैठिए। मणिपुर पर गरमाई सियासत, आज मणिपुर दौरे पर INDIA के नेता मणिपुर हिंसा को लेकर एक और संसद में लगातार हंगामा मच रहा है, गतिरोध बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA का प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के मणिपुर दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल में 16 दलों के 20 नेता शामिल हैं। ये लोग राज्य में हालात का जायजा लेंगे और वहां से लौटने के बाद सरकार और संसद से मणिपुर समस्या के हल को लेकर सिफारिश करेंगे। मणिपुर जाने वाले 20 सांसदों में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई और फूलो देवी नेताम, टीएमसी की सुष्मिता देव, जेडीयू के ललन सिंह और अनिल प्रसाद हेगड़े, आरजेडी के मनोज कुमार झा, जेएमएम की महुआ मांझी, आरएलडी के जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, डीएमके की ओर से कनीमोझी और डी रवि कुमार, इसके अलावा एनसीपी के फैजल मोहम्मद, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, वीसी के पार्टी के टी थिरुमावलन, CPIM के AA रहीम और CPI के संतोष कुमार, IML के ET मोहम्मद बशीर और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता शामिल हैं। कोई सियासत करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ कोई चुनावी मुद्दे उठाने नहीं जा रहे हैं। वो जिनका जो चुनावी सियासत करने में आदी है उनको बात अलग है। हम लोग जाते हैं मणिपुर के आम मणिपुरवासियों को दुख पीड़ा समझने के लिए और हालात की जायजा लेने के लिए। हम ये संवेदनशील मसले को हाल निकालने के लिए सरकार के बार बार गुहार लगाते हैं कि कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि मणिपुर की मुद्दा गंभीर होते जा रहे हैं और मणिपुर के मुद्दे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं बल्कि सारे दुनिया में फैल चुके हैं, सारे दुनिया में चीचित्कार हो रहे हैं। ये जाति दंगा है, ये कानून और स्थिति की मुद्दा नहीं है। INDIA के नेताओं का कहना है कि वो मणिपुर जाकर वहां के लोगों से बात करेंगे और उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि पूरा देश मुश्किल की इस घड़ी में मणिपुर के लोगों के साथ है। साथ ही वो सरकार को जमीनी हकीकत भी बताएंगे कि जब तक सरजमीन पे जाकर परिस्थिति हम नहीं देख पाएंगे, हमें जो भी आज दिख रहा है मीडिया पे दिख रहा है, वहां पर आप जानते हैं इंटरनेट भी बंद है, तो वहां जाके रिलीफ कैंप्स में जाना, सबसे मिलना और गवर्नर से भी मिलना, ताकि हमें समझ आए कि इसका समाधान क्या है। क्योंकि जब तक समाधान नहीं होगा, देखिए ये सत्र खत्म हो जाएगा 11 अगस्त को, फिर क्या। तो इसलिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें सरजमीन पर जाके पता लगे कि वहाँ पे क्या समस्या है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ की सरकार में क्या कमियाँ हैं और किस तरह की समस्या है। हम प्रधानमंत्री जी को भी ये बताना चाहते हैं कि सर, जो आपको और आपकी टीम को करना चाहिए था वो कोशिश हम कर रहे हैं। कितना बड़ा करेंगे, छोटी सी ख्वाहिश लेके जा रहे हैं कि मणिपुर के लोगों को की पीड़ा को, उनकी सामूहिक पीड़ा को समझ पाएं और शायद उस समझ को संवेदना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष सदन में जब वो आए बोलने के लिए तो हम उस पीड़ा का को प्रकट कर पाए। बस इतना सा उद्देश्य है। हम चांद का टुकड़ा ले आएंगे मणिपुर से, ये हम नहीं जानते, ये हम जानते हैं नहीं। विपक्षी दलों के नेताओं के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।